सीएमएस ने मामले को बताया है गलत। बड़ी खबर इस वक्त की, सोनभद्र से आपको हटा दें, जिला अस्पताल बन चला है दलालों का अड्डा। तो मरीजों के रेफर करने के नाम पर होता है खेल और कमीशन दलालों का बना है। इलाज की रकम में दलालों का कमीशन जो है वो तय है। हालांकि इस पूरे मामले को गलत बताया है सीएमएस ने। प्रेम बहादुर गौतम जो है वो सीएमएस है और इन्होंने पूरे मामले को गलत बताया है। मरीजों के रेफर करने के नाम पर होता है ये खेल और इलाज की रकम में दलालों का भी कमीशन तय होता है। तो अड्डा बन चला है पूरी तरह से सोनभद्र का जिला अस्पताल। हालांकि सीएमएस प्रेम बहादुर गौतम ने इस पूरे मामले को ही गलत बता दिया। जैसा अभी आपने वीडियो हमको दिखाया है उसमें कोई होलिस्टिक अस्पताल कोई है, कोई रावर्सगंज कहीं स्थापित कहीं है, जिसकी एम्बुलेंस लग रही थी जो भी हमारे गेट पे दिखाई दे रही थी वो, तो अगर इस तरह की घटना हुई है तो इसकी हम तफ्तीश करेंगे। और फिलहाल में कल चौकी खुलवा दी, उद्घाटन हो गया है, आप पुलिस को मेरा दे देते हैं कि वो लोग इस तरह घटना ना होने दें और हर पर नजर रखें इस बार पर। और इसी बीच महोबा से इस वक्त